नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय टेक में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो यूजी का है, हम यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर जो है वो एग्जाम फॉर्म में काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है, तो सभी जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यहाँ पर जो है वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बात करते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, और हम यहाँ पर जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेरे वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर univraj.in जो है वो मेन वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे। जैसे इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म 2024 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक किया हमारे सामने जो है वो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने से पहले यहाँ पर जो है वो हमको काफ़ी सारे स्टेप फॉलो करने होंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बात करें उसके लिए, सबसे पहले तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, लॉगिन और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद में जनरेट ABC आईडी कार्ड। ये हमें तीन यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जनरेट ABC कार्ड यहाँ पर जो है वो जनरेट करना है। तो उसके लिए आपको जनरेट ABC आईडी कार्ड यहाँ पर जो है वो इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते तो डिजी लॉकर पर वो ले जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में साइन इन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा साइड में, तो साइन इन आपको करना है। साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो नीचे साइन अप का भी आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, साइन अप, साइन अप का आपको यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा, नीचे देख सकते हो डू नॉट हैव ए अकाउंट, और उसके आगे साइन अप का यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा नीचे, और जैसे क्लिक करते हो तो आपकी डिटेल यहाँ पर जो है वो मांगी जाएगी। क्रिएट अकाउंट इज फास्ट एंड ईजी। इस पर आपको आपका नाम यहाँ पर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, और यहाँ पर एक पिन आपको क्रिएट करना है। ये सभी डिटेल यहाँ पर जो है वो आपको डालनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है मैंने बताया आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जेंडर और मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, और यहाँ पर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपको बनाना है, यानी अपना पासवर्ड बनाना है, पिन बनाना है, यहाँ पर 6 डिजिट आपको यूज़ करना है उसमें। तो ये सभी डिटेल फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो बेसिक डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ और आप भी अपना फिल कर लीजिए, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करते हैं। 6 डिजिट यहाँ पर जो है वो फाइनली मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो सबमिट पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर पिन भी डाल लिया है, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने OTP जाएगा, तो OTP आपको जो है वो डालना होगा। आधार कार्ड पे आपका OTP जाएगा, जिसका भी आधार कार्ड होगा, जिस पे आधार कार्ड पे OTP जाएगा, OTP यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर, या फिर जो कहूँ यहाँ पर जो डिजी लॉकर में आपने अभी फ़िलहाल जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर जाएगा पहले, तो वो उस पर जो OTP जाए उसको यहाँ पर डालना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। और आप इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो पासवर्ड डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर जैसे सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एंटर आधार नंबर यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आएगा। तो आपको वेरीफाई अपना आधार वेरीफाई यहाँ पर करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना होगा, आपका आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। क्या डालना होगा, अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड को भी हम OTP बेस पर यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे, तो आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। आप अपना आधार कार्ड देख सकते हो व्यू पर क्लिक करके, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आधार नंबर पर भी आपका जो है वो आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर भी यहाँ पर जो है वो OTP यहाँ से चला जाएगा। तो उस पर जो भी OTP जाए उसको यहाँ पर डाल के यहाँ पर भी हमें सबमिट करना होगा। तो ये सब यहाँ पर ये प्रोसेस किसका हुआ, ये डिजी लॉकर का हमारा जो है वो प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर जो है वो OTP हम डाल लेते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। OTP डालने के बाद में, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से पेज आएगा, जिसमें आप यहाँ पर साइन इन, यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे यहाँ पर जो है वो ABC कार्ड पे, यानी डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो हो जाओगे लॉगिन। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, सर्च डॉक्यूमेंट्स पर। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर नीचे आपको जो है वो ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, एजुकेशन यहाँ पर जो है वो और लर्निंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा, या ABC यहाँ पर अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन आपको वैसे भी देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो तो ABC आईडी कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा।
तो यहाँ पर एबीसी आईडी कार्ड पर हम क्लिक कर लेते हैं और अपना एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमारे सामने ये यहाँ पर डिटेल मांगी जा रही है, जो डिटेल फिल नहीं है वो डिटेल मांग ली जाएगी। तो आपको एडमिशन ईयर आपको डालना होगा, अगर फर्स्ट ईयर का फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 2023 डाल देना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहले भी एडमिशन ले चुके हो यानी पहले ही, तो अपना यहाँ पर जो है वो एडमिशन ईयर आपको डालना होगा, कौन सी ईयर में आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में वो ईयर, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या न्यू एडमिशन हो तो न्यू एडमिशन यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करना होगा। तो किसी भी कुछ भी आप जो सेलेक्ट कर लीजिए, एनरोलमेंट नंबर से भी यहाँ पर साइन अप कर सकते हो, यहाँ पर रोल नंबर से भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन आईडी, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन और नन भी यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। तो ये सभी डिटेल आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट किया है तो एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट कर डाल दीजिए नीचे, और नीचे आपको जो है वो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेलेक्ट या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे ओके पर क्लिक कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पर आ चुका है, और इसके बाद में ओके पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, एनरोलमेंट नंबर डाल के यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर एबीसी आईडी कार्ड हमारा कहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो एबीसी आईडी कार्ड हमारा जनरेट हो चुका है, डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, पीडीएफ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका एबीसी आईडी कार्ड यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे एबीसी आईडी कार्ड आपका यहाँ पर जो है वो आ चुका है। इसका आपको एबीसी आईडी नंबर जो देखने को मिले वो यहाँ पर 12 डिजिट की देखने को मिलेगी, इसको आपको जो है वो नोट डाउन कर लेना होगा, ये आपको यहाँ पर आगे काम में आने वाले हैं। तो एबीसी आईडी कार्ड के नंबर आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर वापस से चलेंगे, और यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर चलने के बाद में वहाँ पर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आ चुका हूँ, इसके बाद में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, एबीसी आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, गेट एबीसी आईडी डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। तो एबीसी आईडी कार्ड डिटेल यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, गेट एबीसी आईडी कार्ड डिटेल पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर गेट एबीसी आईडी कार्ड पर क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पर जो है वो डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको एबीसी आईडी नंबर, आपका का नाम, ये सभी डिटेल देखने को मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या फिल करना होगा, तो मैं आपको बता दूँ, तो आपको यहाँ पर जो है वो फादर नेम यहाँ पर फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, यहाँ पर देखने को मिल रही होगी फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सभी, और आधार नंबर, ये सभी डिटेल यहाँ पर फिल करके आपको अपनी फ़ोटो और साइन यहाँ पर अपलोड करने, और उसके बाद में आपको जो है वो सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो वापस से मैं बता दूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे फादर नेम यहाँ पर फिल करना होगा, फादर नेम यहाँ पर फिल कर सकते, फादर नेम फिल करने के बाद में मदर नेम, मदर नेम के बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करते हैं, कैलेंडर पर क्लिक करके और जेंडर सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालेंगे, और आधार नंबर यहाँ पर जो है वो डाल के हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा, और यहाँ पर देखने को मिल रही होगी ओनली फॉर GIF फॉर्मेट में आपको जो है वो अपलोड करना होगा। GIF फॉर्मेट में आप किस तरीके से बनाओगे वो आपको मैं बता देता हूँ। GIF फॉर्मेट में आपको फ़ोटो और साइन यहाँ पर देख, बात करें फ़ोटो तो फ़ोटो 300 KB तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, साइन आपको 100 KB से कम का आपको अपलोड करना होगा, और नीचे चेकबॉक्स का आपको राइट टिक मिलेगा, यहाँ पर राइट टिक करके चेकबॉक्स में और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो ये सभी डिटेल फिल कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फ़ोटो को देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो GIF फॉर्मेट में आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर गूगल पर आपको जो है वो जाना होगा, गूगल पर क्या करना होगा, गूगल पर यहाँ पर सर्च करना होगा JPG to GIF कन्वर्टर। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास में काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएगी, तो उस पर किसी से भी एक से यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आपकी फ़ोटो, और फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या करना होगा, फ़ोटो को जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद में ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ़ोटो आपकी आ जाएगी, कन्वर्ट पर क्लिक करना होगा। कन्वर्ट पर जैसे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर जो है वो फ़ोटो GIF फॉर्मेट में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कन्वर्ट यहाँ पर हो रही है, जैसे होती है मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके भी आपको बताता हूँ। तो डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो गैस कुछ इसी तरीके से आप यार जो है वो
कन्वर्ट कर लीजिए, साइज का इशू आ रहा हो तो साइज भी आप चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर फोटो साइन को भी यहाँ पर जो है वो ले सकते हो, उसको भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि कन्वर्ट पर क्लिक किया है, कोसाइन को भी आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेता हूँ साइन को भी, और इस तरीके से आप अपना GIF फॉर्मेट में आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर अपलोड कर दिया है फोटो और साइन को, साइज में यहाँ पर कर लीजिए। साइज में करने के बाद में यहाँ पर जो है वो अपने फ़ोटो और साइन यहाँ पर जो है वो अपलोड कर लीजिएगा। तो फोटो और साइन यहाँ पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ देख पा रहे होंगे सबमिट कर दिया है। उसके बाद में राइट टिक करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है, और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर जा चुका है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो आपको देखने को मिले वो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, या फिर मैसेज में भी आपको मिल जाएंगे। क्लोज पर क्लिक करेंगे, और अपना यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालेंगे, और पासवर्ड में आपको जो है वो आपका मोबाइल नंबर ही देखने को मिलेगा। मैसेज के द्वारा भी आपको प्राप्त हो चुका होगा, और वो आपका रहने वाला है पासवर्ड मोबाइल नंबर ही रहने वाला है। तो अपना मोबाइल नंबर या पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड है वो डाल दिया है, लॉगिन पर क्लिक कर चुका हूँ। आपकी फ़ोटो और साइन यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगी, फ़ोटो और साइन यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद में फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। फर्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे सेलेक्ट करते हो तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना होगा, यूजी आप पर सेलेक्ट करना होगा। यूजी का फिल करो तो यूजी, पीजी का फिल करो तो पीजी। इसके बाद में आपको ईयर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, किसका फिल कर रहे हो, ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट या मोड सेलेक्ट कर लेना होगा। प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करते हो तो सेलेक्ट लास्ट एग्जाम ईयर आपको सेलेक्ट करनी होगी। लास्ट ईयर जैसे कि मैं बात करूँ तो थर्ड सेकेंड ईयर पास आउट है स्टूडेंट, और थर्ड ईयर के यहाँ पर जो है वो फॉर्म फिल कर रहा है। तो ईयर आपको सेलेक्ट करनी होगी 2023, जैसे कि BA सेकेंड ईयर किया था, BSc जो भी किया था वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, और उसका रोल नंबर डालना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, नीचे आपको नो पर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यस पर वही करेंगे जो दोबारा से यहाँ पर थर्ड ईयर कर रहे हैं, यानी कोई सा पेपर आपने छोड़ दिया था तो ही। फिलहाल जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई, यहाँ पर कॉलेज डाटा यहाँ पर जो है वो आ रहा है। तो आपको यही प्रॉब्लम आपको जो है वो देखने को मिल रही होगी। तो काफ़ी मैं आपको बता दूं, यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आ रही है। बट इसके आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक जो है वो लास्ट ईयर भी डाल रहे हैं, लास्ट ईयर के रोल नंबर भी डाल रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है वो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही हो रही। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 फॉर्म यहाँ पर फिल किया है, उसके बाद में भी यहाँ पर यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्लीज़ वेरीफाई योर एप्लीकेशन डाटा फॉर्म कॉलेज, तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसका कोई तरीका जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपके पास में भी यही प्रॉब्लम शो हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका कंटिन्यू बिना प्रॉब्लम के आपके फॉर्म फिल हो रहा है तो भी आप कमेंट करके बताना, ताकि पता चले कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंटों का, जहाँ तक है जितने भी मैंने फॉर्म देखे हैं, 3 से 3 ट्राई किए मैंने, 3 फॉर्म ट्राई किए, तीनों में यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और पीजी का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए यूजी का स्टार्ट हुआ है, पीजी का अभी पैनल पर स्टार्ट नहीं हुआ है, यूजी का हुआ है। यूजी में भी हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या मिलता है, जैसे सोल्यूशन मिलता है तो आपको जो है वो बता दिया जाएगा। सोल्यूशन जो भी होगा आपको भी यहाँ पर जो है सोल्यूशन के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल वेट करते हैं, सभी जानकारी यहाँ तक कंप्लीट आप करके रखिएगा। जैसे ही यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हम आपको बता दिया जाएगा आगे का क्या स्टेप है, प्रोसीजर है। वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करूँगा, इस समस्या का जल्दी आपको जो है वो समाधान दिया जाएगा। वीडियो को एंड करते हुए सभी साथियों का धन्यवाद, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।